नेक्स्ट टॉपिक्स है फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर? अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं करते हैं तो कंपनी के डायरेक्टर्स उसको प्रॉपर नोटिस देते हैं और उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। तो जब भी शेयर फॉरफीचर होता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है? पहले नॉर्मल एंट्री जो होता था वो पहले जैसा ही होगा। फॉरफीचर की एक एंट्री होगी और उसके एंट्री करने से पहले हमें चेक करना होगा कि शेयर को इशू कैसे किया गया था। अगर एट पार में इशू किया गया था तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर की जगह में कौन कौन से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ आप उसको भी लिख सकते हैं। और अगर कंपनी ने शेयर को प्रीमियम इशू करे होंगे और उसके बाद फॉरफिट होगा तो एंट्री होगी फॉरफीचर का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्सन एरियर। और सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी लिखेंगे जब जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं किया हो। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, प्रीमियम का पेमेंट अगर नहीं हुआ हो तभी सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाएंगे, और अगर पेड हो चुका हो तो फिर उसको नहीं दिखाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे किस तरीके से एंट्री की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार में इशू किया गया हो तो पहली वाली एंट्री, और अगर प्रीमियम में इशू किया गया हो तो सेकेंड वाली एंट्री करेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है। क्वेश्चन है, न्यू टाटा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10H। कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर है और इट ऑफर टू 30,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए, तो जितना इशू होता है उससे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो 50,000 से कोई मतलब नहीं है, इशूड शेयर हो जाएगा 30,000 और शेयर का नाम है इक्विटी शेयर, और एक की प्राइस है 10 रुपीज़, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो 10 लिख दीजिए। मार्केट वैल्यू कितना होगा तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ लिखा है इक्विटी शेयर टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़। 4 रुपये प्रीमियम भी है, मतलब 10 रुपये वाला शेयर को 4 रुपये महंगे बेचा जा रहा है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू हो जाएगा 10 और 4 14 रुपया, 14 रुपीज़। और इस 14 रुपीज़ को कैसे मांगा गया है? पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहे हैं, 5 में से 2 रुपये प्रीमियम है तो 3 रुपया हो जाएगा अलॉटमेंट, एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल, 5 रुपये फर्स्ट कॉल पर। तो आप देख सकते हो 5, 5, 10 और 4, 14 हो गया। अब आगे लिखता है, अच्छा ये जो है 5 रुपया ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज़। अच्छा यहाँ इसमें भी प्रीमियम 2 रुपया है, तो 2 रुपये प्रीमियम होगा तो 3 रुपया फर्स्ट कॉल। इसका मतलब प्रीमियम का जो 4 रुपये अमाउंट है उसको 2 बार मांगा जा रहा है, एक बार अलॉटमेंट के समय 2 रुपया और फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपया। ठीक है, द कंपनी इनकर द एक्सपेंसेज ऑफ 8,000 ऑन इशू ऑफ दिस शेयर। इस शेयर को इशू करने में कंपनी को 8,000 रुपये के खर्च करने पड़े, तो उसको बोलते हैं इशू एक्सपेंसेज विच इज 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसकी भी एंट्री करेंगे। कंपनी रिसीव ऑल द रिक्वायर्ड अमाउंट एट ड्यू टाइम विथ एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग। कंपनी को सारे पैसे मिल गए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। किसने नहीं दिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राम फेल टू पे अमाउंट ड्यू 500 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मिस्टर राम है जिन्होंने अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट कॉल के समय 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। इसके पास 500 शेयर है, चलिए ठीक है। उसके बाद सोहन फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल ऑन 1,000 शेयर। एक सोहन है, उन्होंने 1,000 शेयर के पैसे फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। ओके, पास रिक्वायर जनरल एंट्री इफ द एबव शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। आपको जनरल एंट्री करना है अगर सेकेंड कॉल के बाद, मतलब ये फर्स्ट कॉल के बाद ये इनके शेयर को जब्त कर दिया गया तो उसकी एंट्री करके दिखाओ। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे पहले जैसे नॉर्मल एंट्री होता है, इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री और इसकी 2 एंट्री, और उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो पहला 2 एंट्री कैसे होगा देखिए, 30,000 × 4। पहला एंट्री, जब शेयर एप्लीकेशन के पैसे आते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर ना इक्विटी शेयर लिखा हुआ है तो शेयर की जगह में आप इक्विटी वर्ड लिख दीजिए।
1,20,000। पहले 6 जो एंट्री होती है नॉर्मल एंट्री, पहले जैसा वही करेंगे, बेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी आप इक्विटी वर्ड लिख दीजिए 120,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसकी दो एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट की एंट्री करें, अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री पहले करेंगे और वहाँ प्रीमियम है तो उसको भी दिखाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम है तो उसको भी दिखाएंगे क्रेडिट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट तो हो चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट कैसे लिखेंगे आप देखिए, 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर इनटू प्रीमियम को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। अलॉटमेंट का प्राइस है 3 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया, तो 30,000 इनटू ये हो गया 60,000 और ये 90,000, टोटल हो गया 1.5 लाख। तो इसका मतलब कंपनी अलॉटमेंट के 1.5 लाख रुपया मांग रही है। अब इसके रिसीवल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एक आदमी कौन था ये, मिस्टर राम, ये 500 शेयर का पैसा नहीं दे रहा है अलॉटमेंट में भी फर्स्ट कॉल में भी, तो उसको लिखते हैं कॉल सिनेरियर। अब अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसको बोलते हैं कॉल सिनेरियर। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए टोटल मांगा गया था 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट के, उसमें एक व्यक्ति ने नहीं दिया, 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो कितना हो गया 500 शेयर और उसका प्राइस है 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 2,500 रुपया इसने नहीं दिया, राम ने अलॉटमेंट के पैसे 2,500 रुपये नहीं दिए। तो अब देखिए टोटल मांगे गए थे 1.5 लाख रुपया, उसमें से 2,500 रुपया नहीं मिला तो कंपनी को मिलेगा 1,47,500, इतना रुपये मिलेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल के एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर, चूँकि इसके बाद और कोई कॉल नहीं है तो इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर भी प्रीमियम है तो उसको भी दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू प्रीमियम 2 रुपया, 30,000 इंटू 2 रुपीज़, 60,000 प्रीमियम का हो गया, और 30,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़, 90,000। तो टोटल मिलाकर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे मिलने हैं 1.5 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपये के लिए कंपनी ने इसको ड्यू किया। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके रिसीवेबल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एक आदमी पैसा नहीं दे रहे हैं, अच्छा दो लोग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर लिखते हैं उसके लिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। कितना पैसा मिलेगा, ड्यू हुआ था यहाँ पर 1.5 लाख रुपया के लिए, तो 1.5 लाख रुपया क्रेडिट कीजिए। कॉल सिनेरियर मतलब होता है कितना पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर दो लोग पैसा नहीं दिया, एक पर देखिए 500 शेयर का पैसा राम ने नहीं दिया और एक है सोहन, उसने 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब टोटल 1,500 शेयर का पैसा नहीं मिला। 500 शेयर इंटू 5 2,500 रुपया और 1,000 इंटू 5 5,000 रुपया, टोटल है 7,500 रुपया। तो टोटल 7,500 रुपया फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला,
लिखेंगे 7,500, तो 1,50,000 में से 7,500 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब है कि 1,42,500 रुपया मिल गया। ये हो गया आपका नॉर्मल एंट्री जो पहले जैसा होता था। अब देखो, अब क्या किया कंपनी ने कि ये जो लोग दो लोग पैसा नहीं दिए, एक तो मिस्टर राम जो 500 शेयर खरीदा था उसने अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उसके शेयर भी जब्त हो गए, और एक आदमी जो 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया था उसका शेयर भी जब्त हो गया। तो इनका फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, लेकिन दोनों की एंट्री हम अलग अलग कर रहे हैं, राम का 500 शेयर का और उसका 1,000 शेयर का, तो क्योंकि दोनों का अलग अलग केस है। अच्छा, राम का जब एंट्री करेंगे, राम जो 500 शेयर उसका जब्त हुआ, तो उसका एंट्री क्या होगा? तो इसके लिए देखा जाता है कि शेयर इशू कैसे किया गया था, शेयर को प्रीमियम में इशू किया गया था, तो ये सेकेंड वाली एंट्री करेंगे। और यहाँ पर लिखे देखिए, इफ प्रीमियम नॉट पेड, तो क्या इन्होंने प्रीमियम पेड करा है क्या? नहीं, प्रीमियम का पैसा मांगा गया था अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, ये दोनों ही पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने अगर प्रीमियम के पैसे नहीं दिए तो प्रीमियम को भी दिखाएंगे। तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये राम के लिए अलग से कर रहे हैं, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर के जगह में आप कौन कौन सा कॉल का पेमेंट नहीं हुआ उसको भी इंडिविजुअली लिख सकते हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अमाउंट कैसे लिखेंगे आप? तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितना शेयर जब्त हुआ इसका, 500, तो 500 इंटू फेस वैल्यू में कितना मांगा गया था उसको लिखते हैं 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 इंटू 10 5,000, और प्रीमियम का पैसा कितना नहीं दिया, तो 500 शेयर का इन्होंने दो बार प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, एक बार तो अलॉटमेंट में नहीं दिया और एक बार फर्स्ट कॉल में, तो टोटल 4 रुपये नहीं दिया इसमें, तो जितना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया उसको दिखाते हैं 20,000, टोटल 7,000 इन्हें देने थे और इसने 7,000 में से कितना नहीं दिया उसको लिखो। देखिए, एक बार 5 रुपया और एक बार 5 रुपया, टोटल 10 रुपया, तो 500 शेयर इंटू 10 रुपया, एक बार अलॉटमेंट में 5 रुपया नहीं दिया और एक बार फर्स्ट कॉल में 5 रुपया नहीं दिया, टोटल 10 रुपया नहीं दिया, तो 500 इंटू 10 5,000, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट में 7,000 है तो क्रेडिट में भी 7,000 होना चाहिए, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 2,000 का। इसका मतलब उन्होंने 2,000 रुपये पेड कर चुका था, वो पैसा उसका डूब गया। फॉर फ्यूचर में क्या होता है कि शेयर होल्डर ने जितने पैसे अब तक पे कर चुके हैं वो पैसा उसका रिफंड नहीं होता, वो पैसा उसका डूब जाता है। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि क्या इसने सच में 2,000 पेड किया था। तो ये देखो, वो जो 500 शेयर खरीदा है वो फर्स्ट कॉल के और अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिया, इसका मतलब वो एप्लीकेशन का पैसा दे चुका था, और 500 शेयर यदि इसके पास है और ये एप्लीकेशन का दाम 4 रुपये है, 4 रुपये दिया था, इसका मतलब 2,000 रुपये उसने दे चुका था, अब तक इतना जमा किया था, वो पैसा उसका वापस नहीं होता है, वो पैसा उसका डूब जाता है, तो इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग मिस्टर राम का कितना शेयर जब्त हुआ, 500, बीइंग 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, आपको ऐसे एंट्री करनी है। अच्छा, एक एंट्री और करेंगे, ये जो क्या नाम है सोहन जिसने 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल पर, उसकी भी एक एंट्री करेंगे, तो उसका जब्त करने की एंट्री, फॉर्मेट के बाहर ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको भी हम फॉर्मेट के अंदर ही करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल पर प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए हैं, तो अगर प्रीमियम ड्यू रहता है नॉट पेड रहता है तब दिखाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल्स इन एरियर। अब अमाउंट ज़रा समझिएगा, 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया और दाम था उसका फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब
10,000, इसको 10,000 रुपये देने थे। प्रीमियम 1,000 शेयर इंटू प्रीमियम, देखिए दो जगह प्रीमियम है, एक है अलॉटमेंट में और एक है फर्स्ट कॉल में। तो अलॉटमेंट वाला पैसा तो इन्होंने दे रखा था, इसका मतलब प्रीमियम कितना नहीं दिया, सिर्फ 2 रुपया नहीं दिया, वो भी फर्स्ट कॉल वाला। तो उसको दिखाएंगे जितना उन्होंने नहीं दिया, दो, तो ये हो गया 2,000। और फिर कॉल सिनेरियर मतलब इसने कितना पैसा टोटल नहीं दिया, तो सिर्फ उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए और 5 रुपये दाम है इसका। तो 1,000 शेयर इंटू 5, ये हो जाएगा 5,000। अब जानते हो जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होता है, तो डेबिट में है आपका 12,000 और क्रेडिट में 5 है, तो इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 7,000। तो ये 7,000 रुपया उसका जब्त हो गया, उतना रुपया उन्होंने पेड कर रखा था वो उसका गया। तो ये हो गया एंट्री फॉर फ्यूचर का। नरेशन लिखोगे बींग, इनका 1,000 शेयर जब्त हो, लिखोगे बींग 1,000 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बस तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है शेयर फॉर फ्यूचर की। तो आपने इस टॉपिक्स में सीखा कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसको नोटिस देने के बाद उसके शेयर को जब्त कर लेती है। नोटिस देने के बाद भी अगर वो पैसा जमा नहीं कर रहा है टाइम पर तो उसके शेयर को जब्त कर लेती है और उसको बोलते हैं फॉरफीचर। और फॉरफीचर में एंट्री करने से पहले चेक करना होता है कि शेयर इशू कैसे किया गया था। अगर एट पार में इशू किया गया है तो ये वाली एंट्री होगी, और प्रीमियम में किया गया है तो फिर देखना पड़ेगा कि प्रीमियम का पैसा पेड है कि नहीं है। अगर प्रीमियम का पैसा पेड नहीं है तो प्रीमियम को भी दिखाएंगे, और प्रीमियम का पैसा यदि वो पेड कर चुका है तो फिर इसको नहीं दिखाएंगे। ये एंट्री होती है, डिस्काउंट में तो एंट्री होती नहीं है, इसलिए उसकी केस नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 2 केस ही मिल पाएगी। तो यह था शेयर फॉरफीचर।